मॉर्निंग क्लास फोर टुडे वी विल रीड इंग्लिश चैप्टर 12 द मून द सन गोज अवे एंड द मून कम्स इन द नाइट। आप सब जानते हैं कि नाइट में रात में सन जो है वो गोज अवे वो चला जाता है और मून जो चंद्रमा जो है वो कम होता है वो आ जाता है। हाउ डज द मून लुक, आप लोगों को मून कैसा दिखता है? लाइक ए राउंड क्लॉक हंग ऑन द वॉल, ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई गोल घड़ी दीवार के ऊपर हंग की गई है, मतलब टांगी गई है। व्हाट मोर चेंजेस टेक प्लेस एट नाइट, और क्या चेंजेस रात में होते हैं? रीड द पोएम एंड नो मोर, आओ चलो हम पोएम पढ़ते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। आप देखो कितनी सुंदर पिक्चर उन्होंने दिखाई है, रात को मून कितना सुंदर लग रहा है ना जब चमकता है रात को, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी सफ़ेद चमकदार एक बल्ब या एक प्लेट ऐसा लगता है ना। मैं सबसे पहले पोएम रीड करूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन द डिटेल। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, द शाइन्स ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, on street and fields and harbor quays and birdies asleep in the forks of the trees, the squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon, but all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes. I'll up in the morning, the sun shall rise. Till up in the morning, the sun shall rise. Right? ये poem के poet जो है वो Robert Louis Stevenson है। बहुत ही प्यारी poem उन्होंने moon को describe करके लिखी है। वो कहते हैं the moon has a face. जो चांद का face है, जो चेहरा है, it's like the clock in the hall. ऐसे लगता है जैसे hall में clock होती है। ज़्यादातर हॉल की क्लॉक कैसी होती है, बड़ी गोल है ना उस तरह का, वो कहता वैसा लग रहा है। द शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, वो जो गार्डन की दीवार है उसके ऊपर शाइन आ रही है ना। थीव्स, थीव्स क्या होते हैं, चोर। द शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, और चोरों पर रात को चोर निकल के आते हैं ना जो गार्डन वॉल के ऊपर से कूदते हुए। ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज, सड़कों पर, खेतों पर, और हार्बर क्वेज, जो हार्बर क्या होता है, जो हमारा पोर्ट होता है, जो जहाँ पर शिप यार्ड होता है, जहाँ पर बड़े बड़े शिप जो हैं वो उसे हार्बर कहते हैं, है ना, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। एंड बर्ड इज़ स्लीप इन द फ्रॉक्स ऑफ द ट्रीज़, और जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो रात को क्या करते हैं, पेड़ों के फॉक्स में सो जाते हैं, स्लीप हो जाते हैं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, कैट कैसे करती है रात में, ना, मतलब वो ऐसे सोने वाली आवाज़ करती है, और माउस क्या करते हैं, माउस स्क्वीक करते हैं, माउस निकल के आ जाते हैं ना, स्क्वीकिंग स्क्वीकिंग, रात को चूहे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है सब सो गए हैं, सन्नाटा है और अब उन्हें खाने को मिलेगा। द हॉलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, और रात को चांद को देख के डॉग कैसे करता है, है ना, हाउल करता है वो। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, बैट होती है चमगादड़, जो कि रात नून मतलब दोपहर में कहाँ होती है, बैट सो रही होती है ना, लाइज इन बेड, वो चमगादड़ जो नून में बेड में थी सो रही थी, ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, और जैसे ही मून की लाइट पड़ती है ये सब बाहर आना शुरू कर देते हैं। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन वो सब चीज़ें जो दिन से बिलोंग करती हैं, जो लोग दिन में बाहर निकलते हैं, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ अवर वे, कडल मतलब स्लीप को अपने ऐसे कडल, कडल करना मतलब ऐसे गले लगा लेना, बच्चे ऐसे सो जाते हैं ना गले लगा के, तो वो कहते हैं कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ अवर वे, उस रात को उस रात के रास्ते से चले जाते हैं और स्लीप को कडल कर लेते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, और जो फूल हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज, तब तक बंद करके रखते हैं आँखें जब तक सुबह में सूरज नहीं राइज करता, जब तक सूरज नहीं उग जाता।
सो ये जो पोएम है रात की, वो रात को डिस्क्राइब कर रही है कि रात में क्या होता है। थीव्स जो चोर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जो बर्ड्स हैं वो सो जाते हैं, जो कैट है वो स्क्वल करना शुरू करती है, जो माउस है वो स्क्वीक करना शुरू करता है, और जो डॉग है, जो बैट है, ये लोग बाहर निकल आते हैं रात में क्योंकि ये दिन में लेजी रहते हैं, है ना। सो दिस इज़ द पोएम। और जो दिन के लोग हैं जैसे फ्लावर्स हैं और बच्चे हैं, वो लोग रात में सो जाते हैं। सो इट एक्सप्लेन्स द नाइट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। आई होप किड्स यू लाइक दिस चैप्टर, यू लाइक दिस पोएम। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू, कंसर्न या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।